हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम भाटी आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है एंटिटी टाइटर के बारे में। तो एंटिटी टाइटर क्यों किया जाता है, इसको समझने के लिए पहले आपको हमारे चैनल पे जो एक वीडियो अवेलेबल है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, इसमें हमारे पास एक कपल है, मेल और फीमेल, जिसकी शादी हो गई है और डिलीवरी इसको होनी है, ठीक है। तो इसके लिए ये जाते हैं हॉस्पिटल में और इसका एक ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड ग्रुप टेस्ट में इसका ग्रुप किया जाता है। तो ग्रुप में हमें कोई भी मतलब नहीं है, ग्रुप कोई भी हो सकता है, ए ग्रुप हो सकता है, बी, ओ या फिर ए बी, चार ग्रुप होते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। किंतु अगर उसका आरएच फैक्टर हमें टेस्ट करना है, अगर आरएच फैक्टर में दो संभावना बनती है, या तो आरएच पॉजिटिव हो सकती है या फिर आरएच नेगेटिव हो सकती है वो मदर, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट है। अब उसका आरएच फैक्टर की हमने, अगर उसका आरएच फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो वो डिलीवरी उसकी सेफ हो जाएगी, डिलीवरी आसानी से संभव हो जाएगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो और आरएच नेगेटिव हो जाता है फैक्टर, तब उसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। उसके लिए हमें और फर्दर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करना पड़ेगा एक बार फिर से। हमें ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, ए बी ओ या ए बी कोई भी हो, हमें फैक्टर्स आरएच से मतलब है। तो अगर उस फादर का आरएच पॉजिटिव ना होके आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप आता है, तो एक बार फिर से उसकी जो मदर की डिलीवरी है वो सेफ हो जाएगी। अगर फादर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होता है, तब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जीन है आरएच पॉजिटिव का जीन और मदर का आरएच नेगेटिव जीन है। तब जब डिलीवरी होगी, जो बच्चा होगा, संभावना बनती है कि फादर से जो आरएच फैक्टर है वो बच्चे में चला जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा डिलीवरी का। तो डिलीवरी होने देते हैं फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद बच्चा डिलीवर होता है, तो हमें बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप है, एक बार फिर से, ए बी ओ या ए बी, कोई भी ब्लड ग्रुप हो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है आरएच फैक्टर से। अगर बच्चा आरएच नेगेटिव हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो मदर को ना बच्चे को, क्योंकि मदर और बच्चे का दोनों का जो आरएच फैक्टर है सेम है। और ये जो आरएच फैक्टर है वो आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी होती है, जो कि मदर से बच्चे में और बच्चे से मदर में ट्रेवल कर सकती है प्लेसेंटा के थ्रू। तो अगर दोनों का आरएच फैक्टर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बच्चे का ग्रुप यानी कि आरएच फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, तब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि आरएच पॉजिटिव ब्लड यदि मदर में चला जाता है तो मदर में एनटीडी डेवलप हो जाए। मदर का ब्लड नेगेटिव हो और बच्चे का ब्लड पॉजिटिव हो, तब हमें एक और टेस्ट करवाना पड़ता है, कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। दोनों का वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है इसकी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। कूम्स टेस्ट हमने कर लिया है, तो कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। कूम्स टेस्ट पॉजिटिव मतलब मदर में एनटीडी डेवलप हो गई है। जो बच्चे का आरएच पॉजिटिव ब्लड था वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में चला गया और मदर में एनटीडी डेवलप हो गई, ये हमें पता चल गया कूम्स टेस्ट से। अब कूम्स टेस्ट कर लिया, तो कूम्स टेस्ट में जो एनटीडी हमने डिटेक्ट की वो कितनी मात्रा में है वो हमें पता करना पड़ेगा एनटीडी टाइटर। वो होता है कि हाईएस्ट डाइल्यूशन जिसमें एग्लूटिनेशन शो कर देता है। तो अभी हम टेस्ट करके देखेंगे, टेस्ट में देखेंगे कि इसका जो टाइटर है वो कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका जो प्रोसीजर होता है एनटीडी टाइटर टेस्ट करने का वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो एनटीडी टाइटर है उसका रिजल्ट क्या आया। टाइटर के लिए जो सामग्री की जरूरत होती है वो है नॉर्मल सेलाइन पहली बात, दूसरी है 22% बोविंस एल्बुमिन, तीसरी जो रीजेंट है अपने पास वो है 5% सेल सस्पेंशन, किसी भी ग्रुप का आरएच पॉजिटिव सेल्स होनी चाहिए, और चौथा है पेशेंट का सीरम जिसका हमें एनटीडी टाइटर करना है। हमारे पास 11 टेस्ट ट्यूब है और जिसमें से जो 10 ट्यूब है टेस्ट ट्यूब है उसको हम मार्क कर लेंगे 1 से लेके
10 के बीच और जो लास्ट वाली ट्यूब है वो हमें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है जब अगर इसका जो टाइटर हाई होता है तो हम जिसका यूज़ में लेंगे टाइटर वो हम बाद में लेंगे। तो पहले हम इन 10 ट्यूब को मार्क कर लेंगे, 1 से लेके 10 तक, 9 और ये 10 ट्यूब। अब हमें लेना है 100 माइक्रोलीटर नॉर्मल सेलाइन सभी ट्यूब में। तो ये एक 100 माइक्रोलीटर की पिपेट है जिसका हमें एक एक करके सभी में जो 10 ट्यूब हमने मार्क कर रखी है सभी में 100-100 माइक्रोलीटर नॉर्मल सेलाइन डाल लेना है। ठीक है, ये नंबर 4th पे, नंबर 5, ऐसे करके सभी में 100 माइक्रोलीटर नॉर्मल सेलाइन ऐड करना है। ठीक है, ये 8, 9 और 10th सभी ट्यूब में हमारे पास आ गया NS। अब हमें लेना है जो पेशेंट का सीरम है वो हमें लेना है 100 माइक्रोलीटर, दो ट्यूब में लेना है, एक फर्स्ट वाली ट्यूब में और दूसरा है सेकंड वाली ट्यूब में। तो फर्स्ट वाली ट्यूब में हो गया 200 माइक्रोलीटर, फर्स्ट ट्यूब में हो गया 200 माइक्रोलीटर, सेकंड ट्यूब में हो गया ये 200 माइक्रोलीटर। अब हमें इसको मिक्स करके जो 100 माइक्रोलीटर दूसरी ट्यूब से लेके तीसरी ट्यूब में डालना है, तीसरी ट्यूब को मिक्स करके तीसरी ट्यूब से वापस हमें 100 माइक्रोलीटर लेके चौथी ट्यूब में, चौथी ट्यूब में जो तीसरी ट्यूब से लिया है वो चौथी ट्यूब में डालना है, उसको मिक्स करके उसमें से 100 माइक्रोलीटर लेके पांचवी ट्यूब में डालना है। तो इस प्रकार से हमें डाइल्यूशन, सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं जिसको, वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे 10वीं ट्यूब में डाल देंगे और जो 10वीं ट्यूब है उसमें से जो बचेगा सीरम का डाइल्यूशन वो हम जो लास्ट वाली ट्यूब हमने बिना मार्क किए हुए रखी है उसमें डाल लेंगे। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वापस ये जो डाइल्यूशन है उसके आगे का करेंगे। यहाँ तक अगर पॉजिटिव आ जाता है अर्थात इसमें टाइटर हाई आ जाता है तो वो आगे यूज़ में लेंगे। अब हमें लेना है 22% बोविंस एल्बुमिन की एक एक ड्रॉप सभी ट्यूब में डाल लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सभी ट्यूब में 1 से लेके 10 तक की जो ट्यूब हमने मार्क कर रखी है सभी में एक एक ड्रॉप 22% बोविंस एल्बुमिन ऐड कर लेना है। अब हम इस सभी ट्यूब में जो बोविंस एल्बुमिन डाला है सभी को मिक्स कर लेंगे सीरम और जो NS डाला है। अब हमें लेना है RH पॉजिटिव सेल्स है उसकी एक एक ड्रॉप सभी ट्यूब में डाल लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सभी ट्यूब में डाल लेनी है और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इनको करना है इनक्यूबेट। तो आधा घंटे के लिए 37 डिग्री तापमान पर इनक्यूबेट कर सकते हैं अगर आपके पास इनक्यूबेटर है तो इनक्यूबेटर में, और नहीं तो आप वाटर बॉथ का भी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये पहले हमने लगा दी जो ब्लैक मार्क से मार्कर से ट्यूब नंबर, और अब हम लगा रहे हैं रेड मार्कर से इसका डाइल्यूशन, अर्थात ये जो पांचवी ट्यूब है इसमें डाइल्यूशन होगा 16 का, छठी ट्यूब है इसमें 32 का, और सातवीं ट्यूब है उसको हम 64 का, इस प्रकार से डाइल्यूशन लिख लेंगे। क्योंकि जब हम आगे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें जो ट्यूब की मार्किंग है वो ट्यूब इधर उधर ना हो जाए, इस कारण जो डाइल्यूशन है वो याद रखने के लिए इजी रहता है। ये हो गए इनकी मार्किंग। अब हम इसको रख लेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पे इनक्यूबेटर के लिए आधा घंटे के लिए। ठीक है, आधे घंटे के इनक्यूबेशन के बाद अब हमें जो सारी ट्यूब है 1 से लेके 10 तक इसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूज अवेलेबल है वो 8 ट्यूब का है, तो हमें 2 बार सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। अभी 8 ट्यूब का कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग ट्यूब है 2 उसका हम इसके बाद कर लेंगे। तो इसको हमें लॉट रेट पे ही सेंट्रीफ्यूज करना है, 1 मिनट के लिए करना है और 1500 RPM पे कर लेना है। अभी जो 2 ट्यूब बची हुई थी 8 ट्यूब के बाद हम उसका भी इसके साथ सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं।
ठीक है, और पूरा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर हमें इसमें एग्लूटिनेशन देखना है। तो सबसे पहले आप इसका हीमोलाइसिस देखेंगे और उसके बाद इसमें एग्लूटिनेशन देखेंगे। इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये ट्यूब हमारे पास आ गई है। अब इसमें देख रहे हैं नीचे बटन फॉर्मेशन हो रखा है। तो पहले हम इसका हीमोलाइसिस देख लेते हैं कि कहीं रेडिश दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर रेडिश नहीं दिख रहा है तो फिर जो बटन फॉर्मेशन हुआ है इसको हम डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करने के बाद हम देखेंगे इसमें एग्लूटेशन हुआ है या नहीं हुआ। ये नंबर वन और नंबर टू है, इसमें एग्लूटेशन हो रखा है। अब नंबर थ्री और फोर्थ ट्यूब पर देखते हैं, जो बटन है इसको अच्छी तरीके से डिजोल्व कर लेंगे। डिजोल्व करने के बाद आपको क्लंपिंग आसानी से देखने को मिलेगी। ये नंबर थ्री और फोर्थ है जिसमें एग्लूटिनेशन आप देख रहे हैं, क्लंपिंग दिख रही है। ठीक है, तो इसमें जो एट तक का टाइटर है उसमें पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये देखिए। अब लेते हैं फाइव और सिक्स ट्यूब को, इसको बटन तोड़ के देखते हैं इसमें एग्लूटेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखिए इसमें फाइव में भी दिख रहा है और सिक्स में भी दिख रहा है। अब इस ट्यूब में हमें जो एग्लूटेशन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ये ट्यूब नंबर है सात और आठ, अर्थात जो छः तक की ट्यूब थी जिसमें 32 का डल्यूशन था वहाँ तक उसमें हमें एग्लूटेशन देखने को मिल रहा है। तो इसका जो रिजल्ट हम पढ़ेंगे वो एनटीडी टाइटर रिजल्ट देंगे 32 डाइल्यूशन में। और इसमें जो आप देख रहे हैं बाकी वाली ट्यूब में डाइल्यूशन देखने को नहीं मिला है। 10 तक की ट्यूब देख लीजिए, अगर 10 में भी डाइल्यूशन देखने को मिलता है तो फिर हम अगली जो ट्यूब रखी थी उसका फिर सीरीज डाइल्यूशन करके फिर आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसका मैं जो ग्रेडिंग दी जाती है एग्लूटिनेशन की, वन से लेके फोर तक दी जाती है। तो यहाँ हमें जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 32 टाइटर।